भैया भारत मुझे क्षमा कर दो, आपके प्रति मेरे मन में गलत विचार आया, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अरे पगले, तूने मार चलाया कि नहीं पगले? अच्छा, अब आप लोग यथोचित स्थान देखकर बैठ जाएं। प्यारे राम, तुम्हारे पिताजी ने अपने वचन का पालन करते हुए तुम्हारे वियोग को सह न सके और स्वर्ग सिधार गए। क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? पिताजी लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए। हाय पिताजी, अंत समय आपके दर्शन ना हो सके। हाय पिताजी, हाय पिताजी। हे राम, तुम्हारे पिताजी सत्य की मर्यादा और अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अरे देखो कहीं कहीं तो क्या हो गया? लक्ष्मण जाओ, गंगा जल ले आओ। हे बेटा, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे जो गलती हुई बेटा, मुझे क्षमा कर दो। हे माता, आप क्षमा मांग के राम को इतना नीचे मत करो। आप जिस कुल की भूषण हैं, आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए हे माता आप बिल्कुल ना संताप करें। हम लोग सब लोग कैके के पक्ष में हैं, इसलिए कैके के अपराध क्षमा कर देना चाहिए। उनके भूल के अपराध मिल चुका है। हाँ गुरुदेव, हम क्षमा करते हैं, माता को अपने किए हुए पछतावा है। ये भारत भाई माता के लिए विनय बहुत ही प्यारी है, विनय बहुत ही प्यारी है। किंतु राम भी तुमसे ही माता का अधिक प्यारी है। अरे अपने चारों पुत्रों के लिए वो माता जग जननी है, वो माता जग जननी है। हम क्षमा करे किसी को वो तो जगदम्ब जग जननी है।
हे भरत, माँ से अपराध हो ही नहीं सकता, वो तो हम चारों पुत्रों के लिए जगदम्बा माँ जग जननी है, इसलिए माँ हमेशा ही अपने पुत्रों को ही उनकी खुशी में अपनी प्रसन्नता समझती है। इसलिए हे भरत, माँ का अपराध सदैव क्षम्य होता है। अच्छा बड़े भैया, मेरी ढिढाई को क्षमा करें। भैया अब मैं आपका वनवास लेकर 14 वर्ष का यहाँ करूंगा, आप अयोध्या में राज करिए। भरत, यह कोई सामान का लेन देन नहीं है। भरत, बन जाने की आज्ञा मुझे हुई है, परंतु तुम इतना विवल क्यों होते हो? हे गुरुदेव, भैया को आप ही समझाए गुरुदेव, गुरुदेव भैया को समझाओ गुरुदेव। इसका तो एक ही उपाय है कि राम 14 वर्ष वन में रहे और भरत उनके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का राज्य करें। विचार व्यर्थ है, एक बार जो अपने मार्ग से चल देता है उससे टलना मन की चंचलता होती है और उसकी निर्बलता होती है। हे गुरुदेव, मेरा प्राण मैं अपने माता पिता की आज्ञा से बंधा हूं, इसलिए मैं राज्य नहीं ले सकता। तो क्या बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई अधर्म करे? नहीं भरत, नहीं, मैं ऐसी आज्ञा कभी नहीं दूंगा, मैं अधर्म करने की कभी नहीं कहूंगा। सदा सत्य मार्ग पर चलो, सदा दूसरों की सेवा करो, इसी में हम सबका कल्याण है। माता पिता के वचन का पालन हो, यही धर्म है। यदि माता पिता के वचन का पालन नहीं होता, वो अधर्म कहलाता है।